आईपीएल में पहले मैच में जीत से शुरुआत करने के बाद अब कोलकाता नाइट राइडर्स आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ होने वाले मैच में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में केकेआर ने पहले मैच में मौजूदा चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया, जबकि आरसीबी को 200 से ज्यादा रन बनाने के बावजूद पंजाब किंग्स से 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 30 मैच खेले गए, इसमें कोलकाता ने 17 तो बेंगलोर ने 13 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच पिछले 10 मुकाबलों में कोलकाता ने 6 और बेंगलोर ने 4 मैच जीते हैं। कोलकाता की टीम बेंगलोर के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। पिछले सीजन केकेआर और आरसीबी 3 बार भिड़े थे। पहले मैच में कोहली एंड कंपनी ने जीत हासिल की थी। दूसरे मैच और प्लेऑफ में कोलकाता ने बेंगलोर को हराया था। आरसीबी के कप्तान फाफ डुप्लेसिस शानदार फॉर्म में है। उन्होंने पहले मैच में 57 गेंदों पर 88 रन बनाए और वे अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए और वो अपने प्रदर्शन में निरंतरता लाना चाहेंगे। कप्तानी के दबाव में मुक्त होने के बाद विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए और वह कोलकाता के खिलाफ एक बड़ी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। आरसीबी की यदि जीत दर्ज करनी है तो विकेट कीपर दिनेश कार्तिक को भी पिछले मैच की तरह धमाकेदार पारी खेलनी होगी। केकेआर की बॉलिंग यूनिट को जहां खौफ के छक्के मारने की क्षमता से विशेष रूप से सावधान रहना पड़ेगा, वहीं आरसीबी के गेंदबाज को भी पंजाब के खिलाफ हुई धुनाई को भूलना होगा। मोहम्मद सिराज ने पिछले मैच में 59 रन लुटाए थे, उन्हें जल्दी अपने खेल में सुधार करना होगा। साथ ही गेंदबाज हर्षल पटेल की भूमिका भी अहम होगी, जो डेथ ओवरों के विशेषज्ञ है। यहां तक कि श्रीलंकाई स्पिनर हसरंगा के बीच के ओवरों में भी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।